हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आपको जो आज कहानी दिखाई जाएगी, जिस कहानी को आप अपने परिवार सहित देखेंगे, आप लोग गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी के सौजन्य से ड्रामा देखेंगे। और संगीत का नाम आप लोग ध्यान से सुने, उसके बाद इस खेल को परिवार के साथ देखें। कठिन परीक्षा दगाबाज भाभी उर्फ डाकू चंदन। दूसरा हत्यारे लाल कहाँ गया? बाबू जय शंकर, जय शंकर। मेरे बहादुरों, ये जिला बुंदेलखंड है जी मालिक। और मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरी पर्ची बता। सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, आपके सामने हमारी औकात कितनी है मालिक। ओ, हमारा नाम लेने में तुम्हारी तामीनी होती है जी मालिक। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच की समझ जारी है। ठीक है, अपना परिचय मैं खुद बताता हूं। मेरे साथियों, जिला बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। मेरा नाम फूल सिंह है, इलाका मेरा है। चारों तरफ नजर उठाओ, मेरी ही जागीर बाकी है। इस बुंदेलखंड की जनता हमें भगवान की तरह मानती है जी मालिक। और हमारा कर्तव्य क्या कहता है कि अपनी जनता को सम्मान देना, ये हमारा परंपरा। मेरे बहादुरों, कहा गया है हमारे पुरखों, बाप दादा बुजुर्गों का पुराना सूर था जी मालिक, ना जुर्म करते हैं ना जुर्म करने वाले को। सत्य सरकार, ये रहा मेरा ऐलान। आ जाओ मेरी हवेली की तरफ जी मालिक। हमारी अर्धांगनी ईश्वर को प्यारी हो गई। हाँ सरकार। उसके गर्भ से दो बच्चे हैं, बड़े का नाम बादल, छोटे का नाम चंदन। जब मेरा चंदन 5 साल का था और छोटा 2.5 साल का था, हमारी अर्धांगनी, हमारी पत्नी, हमारी ठकुराइन ईश्वर को प्यारी हो गई। हाँ मालिक। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों की शादी कर दिया हूँ, दोनों की शादी कर दिया हूँ। उसी की बात सरकार। बहू आती है, लेकिन बड़े के कोई औलाद ईश्वर ने नहीं दिया जी मालिक। छोटे को एक औलाद दिया है जिसका नाम राजू। हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार मेरे नजरों के सामने आना चाहिए। ऐसा आदेश मालिक। उम्मीद है हमारे पूरे परिवार को मेरे सामने हाजिर किया जाए, हमारे आदेश का पालन किया जाए। मैं राम का मैं। सरकार, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके पूरे परिवार सहित आपके सामने तुरंत आ रहा हूँ मालिक। Yeah.
आप लोग देख रहे हैं ये जिला बुंदेलखंड है। जिला बुंदेलखंड के जमींदार साहब अपने यथास्थान पर बैठे हैं और उनका पूरा परिवार उनके सामने उपस्थित है। जमींदार साहब के दाहिने तरफ, जमींदार साहब के दाहिने तरफ उनके छोटे लड़के चंदन सिंह और उनके बगल में जो खड़ी हैं उनकी धर्मपत्नी और साथ में उनका लड़का जिसका नाम राजू है, और जमींदार साहब के बाई तरफ उनके बड़े लड़के जिनका नाम बादल सिंह और उनके साथ में जो खड़ी है उनकी धर्मपत्नी, यही है उनका पूरा परिवार। अब आप लोग आगे कहानी देखिए और सुनिए। चंदन इधर आओ। क्या बात हुई आज पिताजी ने? आखिर क्या बात है आज पिताजी पूरे परिवार को अवेले क्यों कटा किए? भैया यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज अचानक बाबूजी ने पूरे परिवार को क्यों इकट्ठा किया है। किसी ने कोई गलती या कोई खता तो नहीं किया? नहीं भैया, किसी ने कोई गलती नहीं किया है। फिर भैया देखो, बाबूजी ने क्यों इकट्ठा किया है, आप घर के बड़े सदस्य हैं, आप खुद जानकारी लीजिए। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिता चरण में आपके हम सब करे पिता चरण में आपके हम सब करे पर बतलाव बाबुल हमें क्यों आज किए। कहिए पिताजी आखिर क्या बात? बेटा दादाजी जी बाबू जी, अरे खुश रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। खुश रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन, अरे तुमसे मिलने के लिए तरसत दोनों। तो बात क्या है पिता आज बताइए, बात क्या है पिता आज बताइए, बात कुछ भी समझ में है आती नहीं। छोटे भाई खड़े सारा परिवार है, गलती कोई किसी की दिखाई। छोटे भाई खड़े पूरा परिवार है, गलती कोई किसी की दिखाई नहीं। क्या बात है पिताजी? बेटे जी पिताजी आंखों से दूर होने ना दूताव मरो, आंखों से दूर होने ना दूताव मर,
आंखों के प्यारे दुलारे हो तुम। क्यों नहीं बाबूजी? तेरे बिन जीना मुश्किल संसार में, ये मेरी जिंदगी के सहारे हो। और मेरा राजू जब तक नजरों से आपने नहीं देखता, हमारे दिल में हमेशा हमेशा उदासी उदासी रहती है। मेरे बेटे, जब हमारे परिवार पूरा इकट्ठा हो जाता है तो मेरी आत्मा भर जाती है कि मेरा परिवार इकट्ठा हो गया है, खुशियां से झूम जाता है। शाबाश बेटे। लेकिन बेटा, एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? मेरे कहने का मकसद कि ज्ञान के दो रास्ते हैं बेटे, अच्छाई और बुराई। जी बाबूजी। कहीं ऐसा ना हो मेरे मान मर्यादा पर, मान सम्मान पर दाग लगे। नहीं बाबूजी। मेरा नाम कभी नहीं हो सकता भैया। मेरा नाम रोशन करोगे? क्यों नहीं बाबूजी। बेटा राजू। जी बड़े पापा। ये बताओ, पिताजी के कहने का मतलब तो तुम्हें पता ही हो गया होगा। जी बड़े पापा। जैसे कि ये बुंदेलखंड की जनता अपने घर को घर और गांव को गांव समझते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि बेटा तुम अपने गांव को क्या और घर को क्या समझते हो? बोल बेटा। बड़े पापा, इस बुंदेलखंड की जनता अपने घर को घर समझते हैं, अपने गांव को गांव, लेकिन बड़े पापा हम अपने घर को एक मंदिर समझते हैं, और ये मंदिर स्वर्ग से भी सुंदर है। बड़े पापा, हमारा राजू काफी समझदार हो। अरे तो पिताजी। क्यों नहीं बाबूजी? होता किसका है? मेरा है। क्यों नहीं राजू? बेटा जी मेरी बात सुनो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पाई उही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रुके कभी घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मेरे तुम साथी संग सहारे, मात पिता तुम मेरे मेरे साथी, मात पिता तुम मेरे तुम साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन तुम हो, ओ तुमसे मिला ये जीवन तुम हो भगवान हमारे, अरे मुन्ना कहा मिला है सबको प्यार दुलार तुम्हारा। कर आंगन में खेले तेरे सूरज चंदाता, कर आंगन में तेरे सूरज चंदाता, तुमसे मिला ये जीवन तुम हो, तुमसे मिला ये जीवन तुम हो भगवान हमारे, अरे बाबुल कहाँ मिला है ऐसा प्यार दुलार तुम्हारा।
स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे अभी, घर द्वार न छूटे। आज मैं खुशियां से फूला समाया नहीं हूं। वाह बेटी वाह। लेकिन बेटा हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? पीछे चलो बड़ी बहू। जी पिताजी। बेटी आने में कट नहीं हुआ तुम्हें? नहीं पिताजी। जानता हूं बेटी, ईश्वर ने कोई औलाद नहीं दिया, औलाद के लिए दुनिया मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खटखटाती है। ये तो ईश्वर की माया है बहू, किसी को राज रचाया है और किसी को भीख मंगाया है। अपने दिल को छोटा नहीं करना, राजू समझो हमारा ही बेटा, खान पान में समय पर कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, ये तुम्हारा कर्तव्य कहता है बहू। राजू तुम्हारा ही बेटा, यही कहना चाहता हूं। ठीक है बेटा। पिताजी। क्या बात है? ये पुत्र वधु आपकी आपसे कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती हो कहो, आदेश है बोलो। पिता पुत्री वधु की आज बिने सुन ले, आज बिने सुन लीजिए। राजू ननिहाल को जिद कर रहा उसको आज्ञा दी, राजू ननिहाल को जिद कर रहा उसको आज्ञा दी। पिताजी राजू बेटा आज कई दिनों से रट लगा रखा है, माँ मैं नाना के यहाँ जाऊंगा। वाह बहू वाह, कि तुम्हारा जाने का ही राजा कहता है। अरे राजू हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा खेलता है, लेकिन आज तक मुझसे नहीं कहता पिताजी कि मैं अपने नाना को देखने जाऊंगा। पिताजी राजू बेटा आपसे डरता था। मुझसे डरता था इसलिए मुझसे कहा माँ दादाजी से इजाजत ले लो तब चलेंगे। क्यों राजू? हाँ दादाजी। अरे नाना जी की याद आ रही है। बेटा तू ही तो मेरे आंखों का तारा है, मेरी जिंदगी का सहारा है। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है बच्चों। अरे जाओ बेटी अरसा नहीं लगाओ, जाओ बेटी अरसा नहीं लगाओ।
राजू को ननियाल घुमा कर लाओ। छोटी बहू, पिताजी जाओ तैयारी बनाओ, लेकिन अकेले नहीं जाने दूंगा। बेटा चंदन सामने आ, इधर आ। जी पिताजी। बेटा कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे कहने का मकसद ध्यान से सुनना। कहिए बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं? चंदन मगर ध्यान इतना रहे, जाओ चंदन मगर ध्यान इतना रहे, पर नसीहत मेरी तुम भुलाना नहीं। कौन सी नसीहत? राजू को देखना बेटा, एक तुम नजर हो वक्त अपना वहां पर गंवाना नहीं। बाबूजी, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा। जाओ तैयारी बनाओ। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? आदेश है, कहो। ओ आपके हुक्म से कुछ उजर नहीं, आज ही अपनी ससुराल जाऊंगा मैं। आपकी ये नसीहत पिताजी सुनो, मैं भुलाऊं नहीं, मैं भुलाऊं नहीं। बाबूजी। बेटा हम आपकी नसीहत को नहीं भुलाएंगे, इसे हमेशा ध्यान में रखें। जाओ तैयारी करो। बेटा राजू, इधर आ बेटा। देख मेरे बेटे, दादा ने इजाजत दे दिया है, तो देर मत करो, चलो बैग के अंदर कपड़े पैक करो, ठीक है? और जाने के पहले दादाजी का आशीर्वाद लो, दादाजी का आशीर्वाद लो, बड़े पापा का आशीर्वाद लो, बड़ी मम्मी का आशीर्वाद लो, ठीक है? आओ। जल्दी आना। जल्दी आ जाऊंगा भैया। हाँ चल। दादाजी मैं नाना के यहाँ जा रहा हूँ, अब किसको लोरियां सुनाओगे? नाना के यहाँ। नैना के पास जा रहा है, नैना के पास जा रहा है। अरे पगले, पहले बता कब आएगा तू? 8 दिन के बाद आऊंगा। 4 दिन के बाद? बड़े पापा। हाँ बेटा राजू। नाना के यहाँ जा रहा हूँ, अब किसके संग गोटियाँ खेलोगे? क्यों, 4-6 महीने के लिए जा रहा है क्या? 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए जा रहा हूँ। कितने दिन की? 2 दिन की छुट्टी। 2 दिन की है, आओगे एक हफ्ते बाद? नहीं, कल नहीं परसों रिटर्न, ठीक है? ठीक है बड़े पापा। कल नहीं परसों। हवेली का करिंदा जिसका नाम कुंदन सिंह, 1 हफ्ते हो गया। 1 हफ्ते हो गया, इलाके की तरफ गया है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पिताजी खुशखबरी नहीं बताया? पिताजी ये हमारी जनता कैसे है? वो गांव की तरफ नहीं, और वो घर गया। घर गया है? जी हाँ। मुझसे बताया तक नहीं? लेकिन आप उस समय मीटिंग में थे, मैं हवेली पे था, मेरे पास आर मुझसे बोला
बड़े भैया मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा ठीक है जाओ। ठीक है, हो सकता है आज कल में आ जाएगा, नहीं तो मैं देख लूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा बादल। जय पिताजी। तुम हमारे बड़े औलाद हो। जी हाँ। मेरे मर जाने के बाद बागडोर के मालिक कहलाओगे। जी हाँ। जाओ अपने इलाके में देखो। यानी गांव की तरफ मैं जाऊं? हाँ बेटा, किसको कट नहीं है, किसी को दुख तो नहीं है। नहीं बेटा, कौन जानेगा। अच्छा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा हो, ये बादल आपका वैसा ही करेगा। बहू रानी। जी पिताजी। जाओ अपने रूम में आराम करो। ठीक है पिताजी। सदा सुहागर रहो, सदा सुहागर रहो, सदा सुहागर रहो। हत्यारे लाल और प्यारे लाल। सरकार। उठा मेरी बंदूक। सरकार लीजिए। मैं जा रहा हूं ड्यूटी का दस देना। ठीक है सरकार। भैया हत्यारे लाल। कहा के हाँ प्यारे लाल भैया। भैया अपनी कितने खुश नसीब है किस्मत, इस पर हरे भरे परिवार में आप और हमारी नौकरी लग गई। हाँ प्यारे लाल भैया। लेकिन यार भैया, इस हरे भरे परिवार में और कुछ देखे हो। प्यारे लाल भैया, इतना दिन हमका तोका करत हो गुआ। सही आ, इतना दिन हमका तोका नौकरी करत हो गुआ। बिल्कुल भैया, इस बढ़िया परिवार में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं। और हरदम हमारी तुम्हारी जो है ऐसे आ रही है, ऐसे किस्मत धकाधक चल रही है। चल रही भैया। लेकिन प्यारे लाल भैया, हाँ कौन बारीकी चीज देखे हम ओका देख नहीं पाए भाई। काहे बरे, का तोहरे अखिया मोतिया बिंद भरहन कहा नहीं जोन देखे। अरे यार भैया, ध्यान हमारे बढ़ गए, अगर कुछ देखे हो भाई तो हम तो बता दे भाई। भैया हाँ, जब राजू भैया अपने मामा के यहाँ जाने लगे, हाँ तो अपने बड़े दादाजी का पैर छुए। भाई उनका भी आशीर्वाद मिला। बड़े पापा जी का पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद मिला। जब बड़ी मम्मी का पैर छूने चले तो बड़ी मम्मी ने पैर यूं कर लिया। ए भैया, इसका क्या कारण है यार मेरे भाई। ए भैया, कादी जबरा के आगे रोवे और दीदा का पत खोवे। सही है भैया। कादी ना जबरा के आगे ना घोड़ा के पाछे। सही कहा था भाई। इसका क्या कारण है भैया, हमको तुमको क्या लेना देना है। सही है भाई, हमका तो नौकरी करे का होता, हम तो तुझे मतलब नहीं। हाँ भैया, जोन कुछ का नौकरी ना जी के घर, जोन कुछ देखा था ओका जान ला देखता ही नहीं ना। सही कहा था। जोन कुछ सुनता जान ला हम सुनता ही नहीं ना। जाने हम काने के बहिरा बाटे, आँखी का आंधा रही। बिल्कुल भैया। भैया हो। हाँ भाई। आवा चली हम हूँ तू। चलते चलते कैसे। हाँ भैया आवा चलते। अरे जब पर्वतिया चली ससुरे को मई के पहुंची जा। भैया हो, पर्वतिया का हल बताओ दी तो काम। पर्वतिया हमारे गांव में रही है। ना तो लेता हाँ भाई, कोनो खतरा तो नहीं ना। नहीं यार, पर्वतिया हमारे गांव में रही थी मेहरारू। अच्छा, वो कई नाव रहन पर्वतिया। हम उनका हल बतावत है। अच्छा अच्छा। अरे जब पर्वतिया, जब पर्वतिया चली ससुरे से मायके पहुंची जाए, पास पड़ोसी पूछन लागे कह दो दिल की बात, बात क्या हो गई गैया, बात क्या हो गई गैया, बात क्या। पर्वतिया चली ससुरे से मायके पहुंची जाए, पास पड़ोसी पूछन लागे कह दो दिल की बात, बात क्या हो गई भैया। ए!
खबरदार, अगर किसी ने ऊंची आवाज में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या रे, इधर आ। इधर आ। आराम जादे, तू अच्छी तरह से जानता है, तुझे पता है कि यहां मेरा दिल जल रहा है। हराम जादे, यहां मेरा दिल जल रहा है। मलकिन, मलकिन बोल, कहां से कहां तक जरता है? का रे? दिलाऊ है। अच्छा, लावा फ्रिज को पानी लावा दे, डाल दे ठंडा। तू अच्छी तरह से जानता है यहां मेरा दिल जल रहा है, और तुम लोग हवेली में खुशियां मना रहे हो। खुशी नहीं मनाते, हम सब अपन टाइम पास करते ही। तो सुन मेरी बात, तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरी शादी हुए 20 साल हो गया। हाँ हाँ भौजी, इस 20 साल में कोई औलाद पैदा नहीं हुए। सही बात है। और उस हरामजादी असवा के पास एक बेटा है जिसका नाम है राजू। हाँ, उसकी शादी हुए 15 साल हुआ। हाँ भौजी, लेकिन इस हवेली में मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। एक बात भौजी बताई, मान सम्मान तो एकदम घट गया है। हाँ, अगर आज 20 साल माँ भगवान एक तो लड़का दे होते न, तो आज इज्जत तो बनी हो। सही कह रहे हो, लेकिन मेरा भी नाम निर्मला देवी है। मेरा भी नाम निर्मला देवी है, कसम खानदान की, कसम खानदान की, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। अगर ईश्वर को नरक में ना बदल दिया, एक एक को खून के आंसू नहीं रुलाई, तो मेरा जीना धिक्कार है। कसम खानदान की, देखना एक दिन मैं क्या से क्या कर दूंगा। अरे बप्पा हो, का करे बप्पा, कब ये सारे है? जब हम कहे पर्वतिया का नाव ले कोनो खतरा नहीं बा, तो कहां से तूफान फाट पड़ाई? अरे यार भैया, वो हमारे घर गांव मेहरारू हुआ जेकर नाव लेते रहे। हाँ, हमका कबो खतरा देहन नहीं रही, तो कहां जानी हम। का करे भाई, जो जवाना लाग है। लेकिन एक बात यह है भैया प्यारे लाल, का कहे भाग, भगवान इनका 20 साल हो गया यहाँ जात, इनका लड़का नहीं देहन, का हमका तोहका मारे गदेला हो गई है? ये बताओ भाई साहब, अगर हमका तोहका मारे गदेला पैदा होत हो इनके, तो हम कहा थे हमका तोहका रतिया दीना मारे और रतिया दीना गदेला पैदा। हम गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा जी से कहा था ही कि मान लिया अगर हमका दोनों भाग मारे गदेला पैदा इनके होत हो। राम ने गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा जी हाथ जोड़े कहा था ये हमका रात दिन मरती रहा और रात ही गदेला पैदा। लेकिन एक बात यह है भाई, कहा दी लड़का बच्चा बहुत भाग से, बहुत कर्म से, बहुत नसीब से हो, इनका जोन सहू रहा भाई, इनका चाल चलन खराब है। ध्यान से देखे रहा, दाएं बाएं नहीं आजकल। हां नहीं मान ले पीछे से आ जाए भैया, इनके अगर भगवान लड़का दे दे तो हमारे गदोरी में बार जाम जाए यार। हम कहा था न होई न हो संभावना है एकदम। लेकिन हमारे संतलाल हारमोनिया मास्टर क्या कह रहे हैं? हाँ भैया सही कहा था दे। अरे कलयुग माया औरत बहु रानी, कलयुग माया औरत बहु रानी, अरे सेखी सान बुझावा थी, भला सेखी सान बुझावा थी, अपने अपने नाप कचोलिया, अपने अपने नाप कचोलिया, दरजी घरे सियावा थी, भला दरजी घरे सियावा थी, यही से बिरहा गाय तनाही, यही से बिरहा गाय तनाही, तीन जनी गरियावा थे, भला तीन जनी गरियावा थी।